एक मराठी एक्ट्रेस है सोनाली कुलकर्णी, जिनके इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप है जो इस हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमित श्रीवास्तव नाम के एक ट्विटर हैंडल ने शेयर किया और लिखा, हैट्स ऑफ टू हर करेज फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। वीडियो में सोनाली ने कहा, भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी है, उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, और उसके पास फोर व्हीलर तो होनी चाहिए। मैंने कहा, तुम कोई मॉल में आई हो? इट इज सो ह्यूमिलिएटिंग। 18 साल के जब हो जाते हैं लड़के तो उनपे प्रेशर रहता है, मर्द बॉयज। सो हर पॉइंट वाज बेसिकली कि कुछ लड़कियां, स्पेसिफिकली कुछ लड़कियां ट्रॉफी हस्बैंड्स ढूंढती हैं, खुद ज्यादा नहीं कमाना चाहती, चाहती हैं कि कुछ अच्छा वेल सेटल्ड हमको हस्बैंड मिल जाए। और जो समाज का प्रेशर होता है सेटल होने का, वो लड़कों पर लड़कियों के मुकाबले ज्यादा रहता है। अब जब ये वीडियो आया है तो काफी लोगों ने इनके व्यू पॉइंट की तारीफ की। शैलीधर ने लिखा, परफेक्ट मैसेज। इति शुक्ला ने लिखा, आई ट्रूली बिलीव इन व्हाट शी सेज, मी एंड माय हस्बैंड हैव टुगेदर बिल्ट आवर होम। अभिषेक घोष ने लिखा, वाओ वो लड़की है कहां, वो लड़की है यहां, ब्रिलियंटली आर्टिकुलेटेड। लेकिन ऑब्वियसली फिर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इनके कमेंट्स पसंद नहीं आए, और फिर इस एक्ट्रेस के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया। राखी जी ने लिखा, हाउ इग्नोरेंट कैन वन बी, एब्सोल्युटली बकवास एट ऑल लेवल्स। ऋतुपर्णा चटर्जी ने लिखा, देयर इज अ स्पेशल हेल फॉर वुमेन हु प्ले टू मेल सिंपथी बाय प्रिटेंडिंग दैट द वर्ल्ड इजंट इक्वल फॉर मिलियंस ऑफ देयर सिस्टर्स। उर्फी जावेद ने लिखा, हाउ इनसेंसिटिव, यू आर कॉलिंग मॉडर्न डे वुमेन लेजी, मेन फॉर सेंचुरीज ओनली सॉ वुमेन एज चाइल्ड वेंडिंग मशीन्स, यू आर टू एंटाइटल्ड। डॉक्टर सेरेडॉन है एक यूजर, उन्होंने लिखा, अटेंशन वाज सॉट, अटेंशन वाज अचीव्ड। आकांक्षा ने लिखा, ट्विटर शुड इन्वेंट वर्चुअल स्लैप, अरे बड़े खराब व्यूज है, इनको थप्पड़ मार देना चाहिए। बबलिंग अंडर द नीड फॉर मेल वैलिडेशन इज एम्बैरेसिंग। और एक और है, उन्होंने कहा, पिक मी वाइब्स। कुछ ऐसे भी कॉमेंट्स है जो मैं आपको बता नहीं सकता, सिर्फ अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए किसी महिला की असमत पे क्या क्या नहीं लिख देते लोग, कभी कभी सुनना मुश्किल हो जाता है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, कि इनका यहाँ पर एक ओपिनियन है, उसे आप डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन इनको इग्नोरेंट बोल के, एंटाइटल्ड बोल के, इनकी स्लट शेमिंग करके आप इनके ओपिनियन को कैंसिल नहीं कर सकते। और इन्होंने गलत क्या बोला, आपका आर्ग्यूमेंट पेट्रियार्की के अगेंस्ट है ना, अग्रीड। सेंचुरीज से महिलाओं को हक नहीं दिए गए हैं, सोशली ओप्रेस किया गया है, मानते हैं हम ये बात, बट सही में अगर इक्वालिटी आपका एजेंडा है तो ये मानो ना कि पेट्रियार्की सिर्फ महिलाओं को टारगेट नहीं करती, मर्द जो होते हैं, जो मेन होते हैं, वो भी उससे सफर करते हैं। जो समाज लड़कियों को घर में बंद करके रखता है, उन्हें बाहर नहीं जाने देता, वही समाज लड़कों को भी तो बोलता है कि 70 साल की उम्र में जाओ, जाके कमा के लेके आओ, 25 में सेटल हो, घर संभालो, पूरा जिम्मेदारी उठाओ, एक्सप्रेस तो बिल्कुल मत करना, सारी जिम्मेदारी उठाओ, पैसे कमाओ, और अगर इसमें से कुछ नहीं कर पाए तो थ्रू है तुम्हारे मर्द होने पे। क्या ये जेंडर बायस नहीं है? मतलब थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आप ही तो जेंडर रोल्स क्वेश्चन कर रहे थे ना, भूल गए? अच्छा, आपने तो उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, आपका आइडिया ऑफ फेमिनिज्म तो उर्फी जावेद से आता है, ये वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। और जब समाज की यही प्रॉब्लम कोई पॉइंट आउट करता है तो आप उसकी सुनते नहीं हो, क्योंकि भाई आदमी बोले तो वो मिसोजिनिस्टिक है, लड़का बोले तो वो मैंसप्लेन कर रहा है, कोई लड़की बोले तो वो इनेबलर है, उसे आप स्लट शेम कर दोगे, तो कौन रखे अपना पॉइंट, एलियन बचे अब तो बस। फिर प्रॉब्लम ये है कि आजकल बड़ा आसान हो गया है अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों के लिबाज में मेन को गाली देना। ट्विटर पे एक लड़की बोल रही थी, माय फादर डजंट डिजर्व माय मॉम। यार, दिस मेन आर डिसगस्टिंग, यू नो, इवन इन माय ओन फैमिली, माय फादर डजंट डिजर्व माय मदर, दैट मिसोजिनिस्टिक, आई हेट हिम। बेटी, कभी तुमने अपने पापा से पूछा है कि बुखार में भी कैसे वो बंदा पब्लिक बस में धक्के खाते हुए अपनी दुकान पर जाता है, और दिन भर बोनी ना हो पाने के बावजूद भी कहीं लाला से ब्याज के पैसे लेता है ताकि तुम पढ़ो लिखो और ट्विटर पर उसी बाप को गाली दो, खुद जाके दिवाली पे कपड़े नहीं खरीदता ताकि तुम्हारे लहंगे में बूमरैंग अच्छा आ सके। द प्रॉब्लम विद दिस फेमिनिस्ट इज दे आर नॉट सीकिंग रिफॉर्म, दे आर सीकिंग रिवेंज। अगर आप अभी मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हो तो भाई मुझे भी कैंसिल कर दो, फिर कमेंट में मुझे गालियां दो, एंगेजमेंट दो, जब तक मैं आगे एक न्यूज बताता हूं। एवरीवन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और न्यूज एंटरटेनिंग तरीके से देखने के लिए मुझसे मिलिए हर संडे 9 बजे संडे शो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।